सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8 एंड ए बी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2। हमको फाइंड करना ए प्लस बी की वैल्यू, हमें फाइंड करना है ए प्लस बी की वैल्यू। अब ये कैसे सॉल्व होगा? अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4। अगेन उसको होल स्क्वायर करें फिर अंडर रूट कर लें तो आ जाएगा। तो हम होल स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर होल स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर टू द स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द स्क्वायर माइनस 2a² बी स्क्वायर इक्वल टू, ये 8 है तो 8 इक्वल टू 64, 8² इक्वल टू 64। ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 2 टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 माइनस 2a² बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 64। अब हमारे पास वैल्यू दे रखी है ए बी इक्वल टू 2, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ए बी 2² 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 8। तो यहाँ से ए पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 64, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 माइनस 8 इक्वल टू 64, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 इक्वल टू 72 आ जाएगा, ए टू द प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 72। यहाँ से ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 की वैल्यू आ गई 72। अब अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करें तो यहाँ से ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हम माइनस करके ए टू द पावर 4 लाए हैं, अब प्लस करके लेके आएंगे। तो अगेन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस, पहले माइनस हो रहा था अब प्लस होगा, प्लस 2a² बी स्क्वायर। अब ए टू द पावर 4 और बी टू द पावर 4 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 72। हम यहाँ पे पुट कर देंगे एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a² बी स्क्वायर की वैल्यू है 8, 72 प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 80। और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ये अंडर रूट में हो जाएगा रूट 80। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू रूट 80। फिर से हम फॉर्मूला यूज़ करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है रूट 80। हम वैल्यू पुट करते हैं रूट 80 प्लस 2 इंटू 2, ए बी की वैल्यू थी 2, इसको सॉल्व करते हैं रूट 80 प्लस 4, 80 को क्या ले सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो जाएगा रूट 16 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4। अब 16 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 रूट 5 प्लस 4, 4 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4 ए प्लस बी इक्वल टू 4 रूट 5 प्लस 4। अब यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लें, रूट 5 प्लस 1 बचा। अब ये अंडर रूट ए प्लस बी इक्वल टू, ये अंडर रूट जाएगा तो 2 4 रूट 5 प्लस 1, अब 4 रूट के बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 5 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।